बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 137 टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी के, लाइट की इंटेंसिटी क्वालिटी या क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसका क्या असर होगा, इफ़ेक्ट होगा, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा इफेक्ट, इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। फोटोसिंथेसिस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का असर क्या होगा, जो कि एक रॉ मटेरियल है। CO2 क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ रिक्वायर्ड मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है। इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कल जब हम इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि NADH2 बनता है जो कि रिड्यूसिंग पावर है। वो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को क्या करता है, रिड्यूस करता है ग्लूकोज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, कार्बन प्रोवाइड करता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइज, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद है, तो जब प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा, द रेट ऑफ डार्क रिएक्शन इंक्रीजेस। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन जो है वो यूटिलाइज होता है कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बनता है। तो डार्क रिएक्शन का जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। जब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एक ख़ास लेवल तक, तो उतना ही डार्क रिएक्शन तेज़ होगा। वेरियस फैक्टर्स, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का असर क्या है, वेरियस फैक्टर्स एफेक्ट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब आहिस्ता आहिस्ता CO2 की कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर इंक्रीज होता है, तो फिर डार्क रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मकसद है, फॉर पर्पस है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, वेरियस फैक्टर्स एफेक्ट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ आवामिल ऐसी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है। अब वो फैक्टर्स क्या है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो कोई और भी फैक्टर हो सकता है, CO2 या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ गया या फिर डिक्रीज आ गया CO2 की कंसंट्रेशन में, तो उसकी वजह से इसी तरह पानी का जो लेवल है गार्ड सेल्स के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इन फैक्टर्स से, जस्ट लाइक टेम्परेचर या फिर CO2 की कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा, फिर उस टाइम CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज। अब जब स्टोमेटा क्लोज हुआ तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 फॉल्स डाउन इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब CO2 की जो एब्जॉर्प्शन है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब क्या होगा, मेसोफिल सेल्स में CO2 की कमी आती है, दिस लोअर्स डाउन। अब जब CO2 कम होगा तो लोअर्स डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोअर डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का स्लो हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। सेकंड इफेक्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, किस चीज़ के ऊपर, ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर CO2 का असर क्या होगा, फर्स्ट हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना मौजूद है, 0.03%, और हमने पढ़ा था कि ये जो लेवल है ये मेंटेन रहता है क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो वो क्या, वो एग्जहेल करते हैं CO2,
बाय एनिमल्स। हम जब रिस्पायरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। एट द सेम टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में वही CO2 जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो इसी तरह CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर वो फिक्स रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज उसमें आमतौर पे नहीं आता। अच्छा, अब CO2 का इफ़ेक्ट क्या होगा ओवर फोटोसिंथेसिस? स्लाइट इंक्रीज हम लिख सकते हैं कि स्लाइट इंक्रीज किस चीज में, एन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, स्लाइट इंक्रीज इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में अगर थोड़ा सा इंक्रीज आता है तो क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्लाइट इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है, थोड़ा सा इंक्रीज जब आता है तो मेसोफिल सेल्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से डार्क रिएक्शन इंक्रीज होगा। नो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस स्लाइट इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ साथ रिएक्शन में इंक्रीज आ रहा है, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहलाता है। फर्टिलाइज हो रहा है, CO2 जो है वो यूज हो रहा है। अच्छा, दूसरा हम लिखते हैं, इफ स्लाइट इंक्रीज आएगा तो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट है। फिर इफ CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस किस वजह से डिक्रीज आएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसी तरह ड्यू टू CO2 कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों होगी, बिकॉज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से टेम्परेचर हम लेते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा, स्टोमेटा क्लोजेस। समझ आ गई बात, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू मच, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया टेम्परेचर के अंदर, या फिर CO2 कंसंट्रेशन है या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आता है, तो फिर क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। जब स्टोमेटा क्लोज होगा फिर क्या होगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा रिजल्ट्स इन नो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। जब गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नो CO2 विल डिफ्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन नहीं होगी मेसोफिल सेल्स के अंदर, क्योंकि स्टोमेटा बंद है। अब स्टोमेटा बंद है, CO2 की डिफ्यूजन नहीं हो रही, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑलमोस्ट, डार्क रिएक्शन रुक जाएगा, और डार्क रिएक्शन जब रुक जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो कंसंट्रेशन डिक्रीजेस देन
हम क्या लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीजेस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो रहा है और ये स्टॉप भी हो सकता है अगर स्टोमेटा मुकम्मल तौर पे क्लोज हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस गैस एक्सचेंज स्टॉप हुआ तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस सिचुएशन। ये क्या है, बिकॉज जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो इस क्लोजर का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस है, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो ऑल दो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं, रिक्वायर्ड है खुराक, गैस एक्सचेंज भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन का जो रिमूवल है एज बाय प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में तो उसका रिमूवल भी ज़रूरी है, लेकिन अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा। अब टू मच लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए प्लांट्स को स्टोमेटा क्लोज करना पड़ता है। अब ये स्ट्रेस सिचुएशन है और इस दौरान फिर प्लांट जो है एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं ABA, फुल फॉर्म क्या है, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड क्या है, इसको हम कहते हैं ये है प्लांट्स के स्ट्रेस हार्मोन्स, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी को ख़त्म करते हैं, वहाँ से पानी जब निकलेगा तो वो स्वेल के बजाय वो फ्लैसिड हो जाएंगे, दे फॉल ऑन स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और फिर गैस एक्सचेंज भी रुक जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट इज इट स्टॉप्स। अच्छा, ये तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज आ गया तो असर ये है। नाउ अगर नॉर्मल लेवल से CO2 का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर क्या होगा, नाउ इफ़ CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन नॉर्मल, जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा CO2 आ गया, फिर स्टोमेटा क्लोज है और प्लांट जो है रिस्पायरेशन कर रहे हैं उसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, अब CO2 क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है तो अब क्या होगा, CO2 का जो कंसंट्रेशन है आहिस्ता आहिस्ता सेल्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अब टू मच इंक्रीज आ गया CO2 की कंसंट्रेशन में, फिर क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज नाउन एज CO2 टॉक्सिसिटी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं CO2 टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब ये क्या है, नुकसान देता है प्लांट्स को, और ये भी क्या करेगा, दिस आल्सो रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। CO2 की टॉक्सिसिटी की वजह से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का प्लांट्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर क्या असर होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पेज 138। एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है यूनिट 6 एंजाइम्स में कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पीएच का भी हमने पढ़ा था लेकिन उसमें एक फैक्टर क्या था, वो टेम्परेचर था। अब दो हमने इनफैक्ट हमने तीन पॉइंट्स पढ़े थे जिनको हमने कार्डिनल पॉइंट्स कहा था, ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सही तौर से, सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक ख़ास, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो कि ह्यूमन बॉडी का क्या है, वो 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये प्लांट्स हम पढ़ रहे तो एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए
एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, जहाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सारे क्या है वो मैक्सिमम हो। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर नेगेटिवली इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इफेक्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑप्टिमम है, अगर थोड़ा सा इंक्रीज आ गया या फिर प्लांट्स या डिक्रीज आता है टेम्परेचर में, इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो इट्स नेगेटिवली इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जनरली अ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है प्लांट्स के लिए वो क्या है, बिटवीन 20 and 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, इज मोस्ट सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ज़्यादा मौजूद टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स की, जब हम बात करते हैं। व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स, जब बढ़ जाता है 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट हमने इससे पहले पढ़ा कि स्ट्रेस सिचुएशन आता है, प्लांट्स टोमेटा क्लोज करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा या फिर रुक भी सकता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लोअर्स डाउन, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सिमिलरली एट लो टेम्परेचर द रेट डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ पर स्लो हो गया, लोअर्स डाउन, और फिर डिक्लाइन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। एंड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, फिर अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला गया तो फिर क्या होगा, इट स्टॉप्स कम्प्लीटली, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। हाउएवर अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंतहाई कोल्ड रीजन्स में वो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह ने उनकी बॉडीज में एडॉप्टेशंस वो रखी है जो कि उस इंतहाई हार्श कंडीशन में या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कैरी करते हैं। हाउएवर द प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड हॉट लोकेलिटी, इस तरह हॉट डेजर्ट्स में भी प्लांट्स मौजूद हैं उनकी बॉडीज में, या फिर जो ड्राई कंडीशंस हैं मतलब कोल्ड रीजन्स में, दे हैव डिवेलप्ड एडाप्टेशंस फॉर हाई एंड लो टेम्परेचर। अल्लाह ताला ने उनकी बॉडीज में हाई और लो टेम्परेचर के हवाले से एडाप्टेशंस रखी हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में कोई इफेक्ट कम या ज़्यादा टेम्परेचर का नहीं आता और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्लाइट थोड़ा सा इंक्रीज इन द स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज जब आता है, इंक्रीज इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज कब तक आएगा, अप टू जब तक टेम्परेचर ऑप्टिमम तक नहीं पहुंचता, अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, और वो टेम्परेचर का जो रेंज है प्लांट्स के लिए वो कितना है, इट इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, कम से कम 20 है, 20 पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज थोड़ा सा मतलब स्लो, फिर जब 21, 22, 23 तो ऐसा ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है तो साथ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। अब लाइट है, लाइट की वजह से टेम्परेचर है, तो उस वजह से हमने कल पढ़ा था क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट कौन सा अवेलेबल है, तो 20 टू 30 डिग्री जब इंक्रीज आता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। अब ये ऑप्टिमम है, अब अगर इस ऑप्टिमम लेवल से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये मिनिमम है ये ऑप्टिमम है, अगर 20 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, स्लो हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर 30 से
इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू करता है और फिर आखिरकार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम रेंज है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के लिए। अब फोटोसिंथेसिस क्यों इंक्रीज होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए जब हम बात करते हैं? बिकॉज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या होंगी? एनहांस, इंक्रीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगे। जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है तो तमाम एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जिसको हम एक टेम्परेचर जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन्हेंस होंगी, इंक्रीज होंगी, और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। बट क्या है? टू मच इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना है, 30 से अबव जाएगा तो फिर क्या होगा? बट टू मच इंक्रीज इन टेम्परेचर अगेन क्या है? टू मच इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, 30 से भी ऊपर चला गया, फिर क्या होगा? इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? नेगेटिव इफेक्ट है, डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों डिक्रीज होगा? हमने पढ़ा स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ये स्ट्रेस सिचुएशन है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटा जब क्लोज होगा फिर गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होता तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगा और फिर रुक भी सकता है, एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। हम साथ में ये भी ऐड करते हैं, एंड अल्टीमेटली आखिरकार स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस, पर लास्ट में स्टॉप भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम क्या कहें? ये हमारे पास है स्ट्रेस सिचुएशन, इसको हमने क्या कहा? ये हमारे पास था स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस सिचुएशन में एब्सिसिक एसिड ABA, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है प्लांट्स में, और ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बाय फोर्स क्लोज करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होगा, और जब स्टोमेटा क्लोज होगा फिर क्या होगा? गैस एक्सचेंज आल्सो स्टॉप्स। क्या होगा? एब्सिसिक एसिड क्लोजेस स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज हुआ तो इफेक्ट क्या होगा? गैस एक्सचेंज स्टॉप्स, गैस एक्सचेंज स्टॉप हुआ तो फिर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस आल्सो स्टॉप्स, फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगा। इफ नेक्स्ट क्या है? इफ मिनिमम से नीचे चला गया, ये मिनिमम ऑप्टिमम, और 30 से अबव मतलब 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह ये क्या है? फिर ये मैक्सिमम है। तो इफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो मिनिमम, जो मिनिमम लेवल है जिसको हमने कहा 20 है प्लांट्स के लिए, 20 डिग्री से अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर क्या होगा? डिक्रीज इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर मिनिमम जो अमाउंट है, मिनिमम जो लेवल है उससे डिक्रीज होता है तो तब भी
फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होंगी। 30 मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एट इट्स पीक मैक्सिमम एक्टिविटीज, फिर ऑप्टिमम से ऊपर मैक्सिमम लेवल पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, मिनिमम पे थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है, फिर अगर मिनिमम से और भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर हम कहते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डी नेचर हो जाते हैं। यहाँ पर एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पर लेस एक्टिव। 30 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, अगर 20 मिनिमम से नीचे जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड, एंजाइम्स और इनएक्टिवेटेड। एंजाइम इनएक्टिवेट हो गई तो फिर क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीजेस, और अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो तो फिर क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। और जो प्लांट्स हॉट या फिर ड्राई कोल्ड एरियाज में रहते हैं तो उनमें अल्लाह ताला ने क्या किया है एडॉप्टेशन रखी है जो कि उस हार्श कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं।